बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? सब आई होप सब ठीक होंगे। बिग लव बिग रिस्पेक्ट आप लोग जहाँ जहाँ से मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, मेरे व्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज का व्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज मैंने किचन का जो काउंटर टॉप है उसकी क्लिनिंग और कुछ सेटिंग करना थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के लिए इतना व्लॉग शूट करती हूँ। इसका बिफ़ोर लुक आप देख लें। अच्छा, ये ना मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से रखा हुआ है। इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज होगी, वही बात कि अगर हम थोड़ा सा ज़रा सेटिंग चेंज कर लें और अपने स्मॉल किचन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ों को ना चेंज करें तो स्पेस खुद ब खुद बन जाती है। सबसे पहले मेरा जो आपने कॉर्नर देखा है जिसमें स्पाइसेस वगैरह रखी हुई हैं, तो ना इसको मैं सारा क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि ना वॉश में उसी वक्त करती हूँ जब मुझे रिफ़िल करना होता है। अभी मेरी बॉटल सारी फुल थी तो इसलिए सिर्फ मैंने उसको ना वेट टॉवल से ना अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैं जब इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगी ना कॉर्नर की, तो आप देखिएगा। और ये बच्चे साथ आ गए हैं, हमजा ने आके यहाँ पर अपनी कार्स रख ली हैं, उसको लगा कि ये स्पेस है तो यहाँ पर मैं अपने ला कर ना टॉयज़ रख लूँ। तो बस बच्चों को भी ना कुछ चाहिए होता है, एक नई ऐसी चीज़ उनको अट्रैक्ट करे और वहाँ पर वो अपनी चीज़ें ला कर रखें। खैर, मैंने फिर उसको दे दिया था कि आप बाहर खेलो, और फिर मैंने यहाँ पर सारी अपनी ये जो बॉटल्स हैं ना इसको क्लीन करना शुरू किया। ये व्लॉग इसलिए भी है कि अब ईद भी आने वाली है, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे क्लीनिंग भी करना है, तो साथ साथ मैं एक वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि आगे किचन में बहुत ज़्यादा कुकिंग का काम होगा, और उस वजह से ना फिर अगर हमारा क्लीन किचन जो है क्लीन हो और उसकी सेटिंग अच्छी हुई हुई हो, तो उसके बाद किचन में ना काम करने में मज़ा भी आता है। तो बस इसीलिए ना मैं अपना जो एक व्लॉग पहले भी आपसे मैंने शेयर किया है, जिससे मैंने अपनी जो स्पाइसेस वगैरह हैं, कॉर्नर है, उसको सेट किया, और आज मैंने अपने काउंटर टॉप को ज़रा थोड़ा सा चेंज करना, सेटिंग करना थी इसकी ना। तो ये देखें, यहाँ से मैंने सारी बॉटल्स वगैरह इसके क्लीन करके वो हटा दी हैं, और फिर अब ये भी स्टैंड भी हटाया है ना, तो पीछे देखें इस तरह से ना कुछ कुछ गंदा सा हो रहा है, तो इसको भी मैं ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये क्लीन इसी तरह से है कि जो टॉवल है ना मेरा वेट टॉवल वो मैं लूँगी, और उससे अच्छे से करके ना उसके बाद स्पंज से साफ़ करूँगी, और फिर डिटॉल के स्प्रे से। तो मैंने ना ये जब से वॉलपेपर यहाँ पर अपने वॉल पर लगा है, और साथ ही जो नीचे आप काउंटर देख रहे हैं यहाँ पर बिछा लिया है ना, तो ये इतना अच्छा मुझे इजी रहा है कि क्लीनिंग में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छे से मेरा ना जल्दी से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये देख ले, मैंने स्पंज लिया और एक एक बार करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से इसको स्क्रब भी नहीं करना पड़ता, लाइट लाइट इसको स्क्रब करें तो ये जल्दी से ना क्लीन हो जाता है। तो फिर ना यहाँ से मैंने इसको क्लीन की है, क्लीन करके और फिर मैं यहाँ पर सेटिंग करूँगी, तो आप देखिएगा कि बस थोड़ी सी ज़रा सेटिंग चेंज हुई तो किचन में कितनी ज़्यादा स्पेस बन गई। मेरा काउंटर टॉप जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, वो भी स्मॉल किचन के अकॉर्डिंग ना छोटा सा ही है, तो बस यहीं पर चीज़ें मुझे ज़रा मैनेज करना होती हैं। तो मैंने सोचा कि ना इसको मैं थोड़ा सा ज़रा चेंज करती हूँ और सेटिंग करती हूँ, तो इसमें ज़रा स्पेस बन जाएगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर अभी ही यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है और रुके हुए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और फिर अगर अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखें, मैंने इसको ना अब इसकी डायरेक्शन चेंज की, और सारी जो बॉटल्स क्लीन की थी वो सारी अब मैं इस तरह से सेटिंग कर लूँगी, उसको लगा दूँगी, और फिर अब देखना इसमें ना कितनी ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। अब वही बात, जो मुझे बॉटल ज़्यादा जल्दी चाहिए होती हैं, रेगुलर यूज़ की होती हैं, वो बॉटल सामने रखती हूँ, और जो कम यूज़ होती हैं उसको थोड़ा ज़रा साइड पर ना पीछे करके रखती हूँ। लेकिन बेसिक ये वाले होते हैं स्पाइसेस जो हमारे डेली रूटीन में ही यूज़ होते हैं, इसलिए वो मैंने बॉटल्स यहाँ रखी हैं। बाकी एक कॉर्नर आपने दूसरा देखा है मेरा, वहाँ पर मैंने अपने कुछ स्पाइसेस मसाले रखे हुए हैं। और ये जो मैंने बॉटल रखी है ना, ये बखूर की है, टूट गई थी, हमजा से गिर गई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको भी साइड पर रखती हूँ, क्योंकि बखूर यहीं पर लगा कर किचन में और फिर पूरे रूम में मुझे लेकर जाना होता है, तो इसका फाइनल लुक देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ना ये बॉक्स है DIY करूँगी इसका, और फिर आगे दिखाती हूँ कि मैं इसका किस तरह से यूज़ करूँगी। ये बच्चों का ना जो प्लेडो होती है उसका बॉक्स था, तो मैंने संभाल के रख लिया था कि मैं इसको भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी, तो काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था, आज मैंने सोचा इसको मैं ना यूज़ करती हूँ। मेरे पास एक शीट है, शीट से मैं इसको ना पूरा कवर करती हूँ, और अब आप इसका ना फाइनल लुक देखें। ये आप देख लें, मैंने इसको यहाँ पर जो रैपिंग पेपर है उसे कवर कर लिया। मेरे पास 3 फ्लावर्स रखे हुए थे, कुछ एक्टिविटी की होती हैं चीज़ें बच्चों की ना, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये देखें, इसकी बिल्कुल लुक चेंज हो गई, कितना प्यारा लग रहा है ना। अंदर से मैंने इसकी नहीं लगाया, क्योंकि ना वो प्लास्टिक है, और मुझे जिस लिए यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्यों मैंने अंदर ये नहीं पेपर लगाया था। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ना आप
दिखा रही हूँ। और देखें स्पेस काउंटर पर बन गई है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर ये मेरी ऑयल की बॉटल्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ना अंदर रैपिंग पेपर पर ले आई, क्योंकि ऑयल गिर जाता है ना तो फिर वो अंदर सारा ख़राब हो जाता, इसलिए फिर मैंने अंदर सोचा कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर मैंने पेपर नहीं लगाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई और जो ये मेरा सिंक है इसको भी मुझे वॉश करना था, और बस यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग यहाँ भी करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ना जल्दी से इसको भी कर लिया। अच्छा यहाँ पर मेरे पास जो ब्रश है, मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग्स में दिखाया है, मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ और एक ही ब्रश रखा हुआ है, और ये सिर्फ सिंक के लिए होता है इसलिए इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, और मैं इसको फिर वॉश करके यहीं रख देती हूँ। और ये इतना अच्छा है कि स्क्रबिंग में और साफ़ करने में ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, और मेरा जल्दी जल्दी ना ये पूरा सिंक भी साफ़ हो जाता है। तो बस अच्छा मेरा काउंटर टॉप ना छोटा है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है कि काउंटर टॉप पर ना स्पेस हो तो हम कुकिंग करने में हमें बहुत इजी हो जाती है। अभी मेरी थोड़ी सेटिंग इस तरह से थी ना, तो काउंटर टॉप छोटी होने की वजह से मुझे कुकिंग करने में और वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो बस यही है कि थोड़ा सा ज़रा अपना इस बारे में सोचते रहें कि हमें किस तरह से वक्तन फ़वक्तन अपने किचन की सेटिंग करते रहना चाहिए, जिससे लुक थोड़ी सी चेंज हो, हमें किचन में काम करने में मज़ा आए ना, तो और हमें कोई मतलब एक इंटरेस्ट लेकर हम अपना काम करें। इसलिए अपने लिए थोड़ी सी ज़रा आसानी के लिए ना मैंने अपने जो काउंटर टॉप है ना उसकी भी सेटिंग को चेंज किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये सेटिंग किस तरह से लग रही है, अगर इसमें कुछ चेंज करना हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको देख कर ना इसकी और सेटिंग चेंज कर लूँगी। और बस वहाँ पर जो मेरा है ना सिंक वो भी क्लीन हो गया है। अब मैं आपको अपने काउंटर टॉप के फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ, ये आप लोग देख लें। अच्छा मैंने जब से काउंटर टॉप पर ये अब ये ना वॉलपेपर ये लगाया है ना, इससे मुझे क्लीनिंग में बहुत आसानी हो गई। पीछे आप देखें वो लगी हुई है टाइल्स वगैरह, पहले मुझे इतना नहीं इजी रहता था, लेकिन इसके साथ किचन की लुक भी चेंज हो गई और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। देखें इसका किचन का फाइनल लुक है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग पिछले देखे हैं तो वहाँ पर भी आप मेरी किचन की सेटिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखकर बताएं कि कौन सी सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बस यहाँ पर मैंने रूम भी क्लीन कर लिया था, तो उसका भी क्लिप ले लिया कि आज मैंने बच्चों को ना ये चादर बिछा के दी, तो इतना खुश हुए ना और इतना खेला, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी ज़रा चेंज होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। रूम की भी दोनों क्लीनिंग हो गई थी, मेरा किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गया था। तो बस अब थोड़ा सा रह गया ईद के लिए फाइनल टच, वो करूँगी, वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके मैं अपना व्लॉग बस यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।